गया वो समय। अब मैंने देखा जय श्री एक माता जी अंकल। जय श्री माता जी। हाँ बताइए बेटा, आप प्रकट हो जाइए, वीडियो क्लिक कीजिए, वीडियो आइकन। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस 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 तो बेटा वीडियो आइकन क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें। हाँ यू आर नाउ बताइए। आई एम विजिबल। यस यू आर विजिबल नाउ, थैंक यू। या वेलकम। हाँ बताइए। नो आई वाज जस्ट विशिंग यू दैट योर श्री माता जी वाज बिकमिंग यू अ माध्यम फॉर डूइंग द ध्यान। सो आई वाज विशिंग बिकॉज़ आई वाज डूइंग दिस ध्यान फर्स्ट टाइम। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी विश आपकी सारी विशेष हम सब ग्रहण कर रहे हैं दिल से, हृदय से। वेलकम। तो आपको, आप इसमें शामिल हुए थोड़ा सा ध्यान में, कैसा लगा आपको, कैसा यस लगा आपको ये? बहुत ही सुंदर और अप्रतिम अनुभूति हुई है और श्री माता जी की कृपा है हम सब पे जो उन्होंने आपके द्वारा अच्छा इतना ध्यान करवाया। हम सब पे माँ की कृपा है जो हम सब इकट्ठे हुए एक साथ, हम सब माध्यम जी हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा तो नहीं लगा आपको कि ये ध्यान, जो ध्यान के नाम पे कुछ काल्पनिक चीजें हो रही हो? नहीं, मैं निर्विचार था और मैं माँ की स्पीच भी सुनता हूँ तो माँ ने कहा है कि काल्पनिक जो शेर हैं उन्हें दूर रखो। तो ये ऐसा नहीं लगा आपको, ये कल्पना थी जो हमने कराया, हम लोगों ने किया कि भाई अटेंशन में उन्हें ले नहीं आओ? नहीं मुझे गणेश जी ने संतुलन प्रदान करा, दोनों हाथों में ठंडे वाइब्रेशंस की अनुभूति हो रही थी। ओके ओके ओके। तो यानी कि आपको लगा कि हाँ भाई ठीक ही चल रहा है, कल्पना नहीं है कोई। जी गुड गुड गुड, ये एक इंडिकेशन है ना, डिकोडिंग करके देखेंगे तो हमें समझ में आता है। अगर किसी कल्पना में भी, अगर हम कल्पना भी कर रहे हैं और उसमें एनर्जी एनहेंस हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो कल्पना नहीं है, फिर वो यथार्थ है, सत्य है। अगर कल्पना होगी तो एनर्जी नहीं जी बढ़ेगी। सबसे बड़ी पहचान है हमारे यंत्र के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी अगर कल्पना नहीं है वो, पर कल्पना जैसा नजर आ रहा है। अब अटेंशन का कोई भी काम होगा वो एक तरीके से काल्पनिक ही लगता है, लेकिन एनर्जी का जो प्रेजेंस है वो ये साबित भी करता है कि ये सब घटनाक्रम काल्पनिक नहीं है, ये घटित हो रहा है, वरना एनर्जी आएगी ही नहीं किसी भी कीमत पे। नहीं सही बात है। भाई, हमने तो यही जाना है, श्री माता जी ने ऐसे ही बताया है, कुछ समझाया है। और बताइए, एनीबॉडी एल्स? 11:48, यानी कि 2.25 घंटे हो चुके, 2.25 नहीं, हाँ 2.25 घंटे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? रमनी बहन, आप कुछ कह रहे थे, बीच में रह गई थी आपकी बात। रमनी बहन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप भैया तक? जी बस आप मैंने कुछ यही कहा था कि जो मांगा था वो आज वो ही ध्यान का सेशन हुआ। जी श्री माता जी तो हमारे हृदय की बात आपके हृदय तक पहुंचा देती हैं और ये कार्य इतने सक्सेसफुली होना है हम करते तो हैं डेली, बट आप जैसे आज आपने कराया उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत आनंद आया हमें ये सब करके, बहुत ज्यादा देखिए बहन, ये कार्य डेली पता है कब तक प्रैक्टिस। चलना है? जब तक हमारे देश में परिवर्तन ना आ जाए, हमारे देश में एक एक मानव, हमारे देश का एक एक नागरिक सुकून शांति में आ जाए, यानी कि बहुत लंबा चलेगा ये काम, ये 2, 4, 6 दिन 10 दिन का नहीं बिल्कुल है। एक्चुअली जब किसी को हर ध्यान की सिटिंग में बस 5 मिनट इसके लिए निकाल लें, 5 से देके 10 मिनट तक, जितना आपको अच्छा लगे। इंडिविजुअल ध्यान में भी लगाने हैं, निकालने हैं, और सामूहिक में भी। भले ही इस काम के लिए ना कहा जाए,
भले ही इस काम के लिए पोस्ट न डाली जाए, पर हमें जिंदगी का एक महत्वपूर्ण कार्य मानकर ये 5 मिनट के लिए जरूर करना है। और सीमा ने चाहा तो परिवर्तन आएंगे। अब देखिए, सीमा दाई कृपा से जितने भी आप सबने काम किए, आज एक मजेदार बात पता है क्या हो रही है, जितना भी फ्रॉड है, जैसे आज किसी ने फ्रॉड किया, 2 दिन बाद वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है 2 दिन बाद फ्रॉड। अब टाइम नहीं लग रहा कि 10 दिन लगेंगे, हैंड टू हैंड फ्रॉड क्लियर हो रहा है, हैंड टू हैंड खुल रहा है। मतलब ये तो कितना फास्ट हो गया एक्सपोजर, कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो रहा है, किसी ना किसी जरिए से हर चीज एक्सपोज हो जाती है, सारा झूठ सामने आ जाता है। जय श्री माता जी। बहन जी, जी बहन जी बताइए। बढ़िया जी। हम लोग इसी के लिए जन्मे हैं। हमारा जन्म हुआ ही इसलिए है, और कोई और कारण, हमारा जो जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और ताज जिंदगी जब तक हम शरीर रूप में जीवित रहें, तो कुछ ना कुछ ऐसा कल्याणकारी अटेंशन से करते रहें, और शरीर के मृत होने के बाद भी हमारी चेतना सक्रिय रहेगी, ये मुझे विश्वास है। बाकी तो फिर मैं मर के ही बताऊंगा, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है। वो करने से आता है, शायद किसी चीज में आता है। हाँ, ये बात तो है। जो पर कल्याण ही सबसे बड़ा आनंद का विषय है। क्या बहन, क्या बोला आपने? हम डेली करते हैं, पर आज जैसे आपने कराया जी, वो ध्यान वो और भी ज्यादा क्लैरिटी से बहुत पावरफुल था। अब ये तो सीमाता ही, बहुत ज्यादा। अब देखिए ना, माँ की अदृश्य शक्तियाँ जो हमारे यंत्र में मौजूद हैं, वो अपने तरीके से करा लेती हैं, और उन्हीं की उपस्थिति के कारण हमें लगता है कि आज मजा आया, बहुत ऊर्जा थी, ये सब उन्हीं का खेल है निश्चित रूप से। जैसे वो चाहे कराएं श्री माता जी, अब ये उनकी मर्जी है। अभी तो हैं काफी सारे लोग यहाँ, बहुत सारे लोग तो बात नहीं कर पाते हैं, बस सुनने में ही व्यस्त है। चलिए कोई बात नहीं, अब 11:53 हो गए हैं, कहें तो समाप्त कर दें या अभी 2-4 मिनट बोलना है? किसी को कुछ और कहना हो तो बताइए, वरना फिर समाप्त करते हैं दौर ये आज का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे यदि जीवित रहे तो। आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे यंत्र में गर्मी पैदा होती है। भैया मेरे तो ना 1 महीना हो गया, पूरी बॉडी में और मुंह से जैसे भाप निकलती है ना, इस तरह से। आपको मैं क्या बताऊं, अभी मैं किससे बात कर रहा था कल, पता नहीं किससे, जसलीन से बात हुई थी, किससे, मेरे 1-1.5 महीना हो गया है, मेरे पाँव के तलवों से आग निकल रही है, हथेलियों से आग निकल रही है, पूरी बॉडी से हीट निकल रही है, 1-1.5 महीना हो गया लगातार, क्योंकि सारा अटेंशन लोगों की पीड़ाओं पे जा रहा है, बहुत दिनों से लोगों की परेशानियों पे जा रहा है, तो पूरी बॉडी जो है इसमें हीट रेडिएट कर रही है, क्योंकि यंत्र इस्तेमाल कर रहा, यंत्र की शक्तियाँ इस्तेमाल हो रही हैं,
और इतना घर्षण पैदा हो रहा है अंदर, नकारात्मक शक्तियों का और माँ की शक्तियों का इतना घर्षण है, वही शरीर में हीट पैदा करता है, फ्रिक्शन, संघर्ष होता है ना। पूरे पांव के कई, मैं तो मैं चप्पल ही नहीं पहन रहा, 1 महीने से चप्पल पहननी बंद कर दी, पत्थर के फर्श पे पैर ठंडा ठंडा लगता है। और एक दिन तो हाइट हो गई, मिताली से मैंने कहा बेटा पानी ले आ, आज तो इतनी आग हो रही है कि आज तो सो भी नहीं पाऊंगा मैं। तो फिर गीला टावल लगा लगा के बार बार 10-15 मिनट उससे गीला टावल लगवाया मैंने तलवों में, इतनी हीट रेडिएट हो रही थी, इतनी मेरे भयंकर तो हीट। फेस में से भी ऐसे होता है जैसे हाँ, भाप निकल रही कान हो से भी मेरे निकलती फेस है, में कान से, हथेलियों से, माओं के तलवों से, से। बहुत हीट निकल रही है आजकल। तो ये काम चल रहा है परमेश्वरी शक्तियों का, इसका ये परिणाम है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सामने आके बोलिए, कुछ समझ नहीं आया। बॉडी में हीट ये निकलती है तो हाँ जैसे कानों से पाँव से ये सब, तो मैं आपको ये बता रही थी, मैंने कहा जैसे कानों में इतनी निकलती है ना तो ये लगता है कि जैसे मच्छर काट रहे हैं, हालांकि नहीं होता। क्योंकि ये भी आउटलेट है ना, ईयर भी, ईयर जो है हमारे विशुद्धि के आउटलेट हैं, हथेलियां भी आउटलेट हैं, पांव के तलवे भी आउटलेट हैं, तो इस कारण यहां से निकलती है हीट बहुत। और कई बार तो आंखों से भी निकलती है, आईज से भी निकलती है, अगर आपकी आंख खुली हो तो उसमें से भी हीट निकलती है जबरदस्त तरीके से। सही सही कह रहे हो बंद सर। है तो नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आंख खुली नहीं है ध्यान में, ध्यान के दौरान आंखें ओपन है, तो आंखों से भी हीट निकलती है। तो ये होता है क्योंकि हमारे अंदर शक्तियां कार्य कर रही हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल घटनाक्रम है, समझे तो। हमारा किसी जगह अटेंशन है, या हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना किसी स्थान पर है, उस स्थान की जो भी चीजें हैं उसकी प्रतिक्रिया पे हमारा यंत्र प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी कि हमारे अंदर दैवी शक्तियां हैं, और उधर हमारा अटेंशन और अवेयरनेस नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर रही है। तो हमारे अंदर की दैवी शक्तियां हमारे अटेंशन या अवेयरनेस से जो नकारात्मक पावर्स रिसीव कर रही है, उनमें संघर्ष शुरू हो गया है, तो इसलिए पूरी बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बढ़िया चीज है ये। और हमारे बहुत से सहजी, अब मैं, मुझे इस पे लिखना पड़ेगा फेसबुक पे, बहुत से सहजी इसे अपनी प्रॉब्लम मान लेते हैं कि हमारा यंत्र खराब हो गया है। ये यंत्र नहीं खराब हो रहा है, यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और वो शक्तियां कार्य कर रही है। लिखूंगा मैं, बहुत से लोग परेशान हैं इस बात से। सर एक्चुअली ये चीजें तो जब हम सबको भी होता है तब भी होती हैं ये। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन हमें इससे पता लगता है ना कि हमारा अटेंशन या अवेयर चेतना हमारी कहाँ पे काम कर रही है, वही वेरीफाई करती है कि हमारे अंदर की प्रॉब्लम है कि बाहर से आ रही है प्रॉब्लम। अटेंशन ही वेरीफाई करता है ये। जी भैया एक सबसे सुंदर चीज मैंने ये देखी है कि जब हम अटेंशन वर्क करते हैं तो पूरी तरह से डिटैच होते हैं। ये चीज मैंने आपसे यही सीखी कि आपने फर्स्ट मीटिंग में ही कहा कि आप अटेंशन वर्क करो, यानी कि अपनी बॉडी से हट जाओ, बॉडी हाँ से अलग हो, डिटैच हो, तभी होता है। तो बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि डिटैचमेंट बड़ी पक्की होती जाती है। हाँ अटेंशन वर्क आपको मदद करता है डिटैच होने में, निश्चित रूप से 100% डिटैच होने में मदद मिलती है, क्योंकि आप अपने साथ तो जुड़े ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम से नहीं जुड़े, आप दूसरों की, देश की, संसार की, पूरे विश्व की, स्थानों की प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, तब दैवी शक्तियां बहुत तेजी से सक्रिय होंगी। यदि कोई साधक जो है केवल अपनी चिंता कर रहा है, तो वो दैवी शक्तियां सक्रिय नहीं होती, खत्म, बेकार हो जाती है वो, यूजलेस। इसी के लिए श्री माता जी ने कहा था, यदि तुम मुझे नीचे ना खींचो तो मैं तुमको बहुत ऊपर ले जा सकती हूँ। इसी वजह से कहा था कि इंसान अपनी संसारी प्रॉब्लम में माँ को नीचे ले आता है बिल्कुल, और नीचे जा नहीं पाती श्री माता जी। भाई माँ आदि शक्ति हम नीचे नहीं आती हैं, पर हम खींचने का प्रयास करते हैं, माँ माँ मेरे घर में बीमार पड़ गया कोई, उसे ठीक कर दो। अरे कमाल है, माँ माँ मेरे को पैसे फंस गए हैं वो निकलवा दो।
तो ये हमने माँ को बिल्कुल शिवा आदि शक्ति को नीचे घसीट लिया संसार में, और आदि शक्ति संसार में आ ही नहीं सकती। सहस्त्रार से नीचे आदि शक्ति नहीं आती, उनके रिप्रेजेंटेटिव पावर्स आती हैं, वो नहीं आती कभी भी, वो इससे नीचे आ ही नहीं सकती आदि शक्ति माँ। हाँ, उनकी शक्तियां आ जाती हैं। तो इसीलिए श्री माता ने कहा था, तुम मुझको अगर नीचे नहीं खींचोगे तो मैं तुमको बहुत ऊपर ले जा सकते हो। और ऊपर ले जाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप अपने अटेंशन को पर कल्याण के अंदर लगाए रखिए, तो श्री माता जी आपको ऊपर ले जाएंगी निश्चित रूप से। क्योंकि श्री माता जी ने सहज का रास्ता दिया ही संसार के कल्याण के लिए है, इसका कोई और मकसद है ही नहीं। तो ये है कहानी। एक और चीज थी ये पूछी थी, जब भी रात को हम कलेक्टिव ध्यान के लिए बैठते हैं ना, तो डेली मैं देखती हूँ कि पहले ऐसे लगे गले में कुछ, क्या बोलते हैं, उखड़ू टाइप कफ सी आएगी, डेली ऐसा होता है, हाँ, स्टार्ट उसी से होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, ऐसा ऐसा इसलिए होता है बहन कि हमारा अटेंशन किन्हीं लोगों पे जाता है। तुरंत हमारा किसी पे अटेंशन गया, मैक्सिमम लोगों की विशुद्धि बेकार है, खराब है विशुद्धि। क्योंकि बहुत सारे लोग झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं दबा के, बहुत से लोग कर्कश हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत सारे लोग साक्षी भाव में नहीं रहते, तो उनकी विशुद्धि तो गई हुई होती है। अटेंशन जाते ही पहले रिफ्लेक्सेस आपके विशुद्धि पे आते हैं, आप देखते नहीं हो। जैसे ही ध्यान शुरू होता है, कई बार मेरे गले में जो है धसका उठना शुरू हो जाता है, आप देखते नहीं। और पूरे दिन नहीं होगा, हफ्तों हफ्तों नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ध्यान शुरू होगा ये शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर रहता है धसका, फिर उसके बाद सामान्य। यानी कि वो जो शक्तियां आया उसने कार्य किया, उनके सिस्टम पे कार्य हुआ, और फिर वो बैलेंस हो गया। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, जब आप आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम कर रहे हो और अटेंशन से करा रहे हो आप अपने, यानी कि आपके शस्त्रार से कार्य करा रहे हो जब भी, तो आप गौर कीजिएगा, जो नए लोग बैठे होंगे जो आत्म साक्षात्कार लेने आए हैं, वो खांसना शुरू कर देंगे। याद है, खांसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली उठ के विशुद्धि में अटक जाती है आके, तो विशुद्धि बाधित सही है, कह रहे हो। तो खांसना शुरू हो जाएगा। कितनी बार आत्म साक्षात्कार के प्रोग्राम में हुआ है, क्योंकि मेरा जो तरीका रहा है, मैं कभी फोटो से तो दिलाया नहीं आत्म साक्षात्कार, अटेंशन से ही दिया है, शस्त्रार हार्ट से ही दिया है हमेशा किसी को आत्म साक्षात्कार। श्री माता जी की फोटो होती है नो डाउट, पर उसका इस्तेमाल आत्म साक्षात्कार के लिए मैं कभी नहीं करता, क्योंकि निराकार शक्ति का इस्तेमाल करता हूं, मां आदि शक्ति के एक्चुअल फॉर्म की, हमेशा शस्त्रार से। और जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो उनकी फटाक से कुंडली जो है आएगी ऊपर, खट से आती है, और विशुद्धि बाधित है तो उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग खांसते हैं लगातार, लुधियाना में भी हुआ था अगर आपको याद हो, कुछ लोगों ने खांसना शुरू कर दिया था 2014 के उसमें। और बहुत सारे वीडियो इसमें हैं, आप देखिएगा, बहुत से लोग खांसते हुए भी नजर आ सकते हैं, रिकॉर्डिंग में है। और अगर श्री माता जी के साक्षात प्रोग्राम अटेंड किए हैं किसी लोगों ने, या उनके वीडियो देखे हैं, तो भी आपको आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, लोग खांस रहे होंगे, यानी कि आदि शक्ति की शक्ति जब भी कुंडली उठाएगी तो ये दस्का आना शुरू हो जाएगा, लोग खौ 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 करते हैं। क्योंकि मैं श्री माता की कृपा से बहुत सारी आत्म साक्षात्कार के प्रोग्राम अटेंड किए, पब्लिक प्रोग्राम श्री माता जी के अटेंड करने का मौका मिला, इसमें डायरेक्ट श्री माता जी कुंडलियां उठाती हैं खुद ही, तो उसमें लोग खांसना शुरू हो जाते थे, कम से कम 20% 30% लोग खांसते थे, और उससे पहले कुछ नहीं खांसी वासी हो रही है, जैसे ही शिमाते ने कार्य शुरू किया, खाओ 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 की आवाज आनी शुरू हो जाती जगह 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 जगह। फिर ये मैंने उसमें भी देखा, आत्म साक्षात्कार के प्रोग्राम में भी, तो मुझे तथ्य समझ में आया कि जब भी माँ आदि शक्ति की शक्ति सक्रिय होगी और कुंडलियां उठेंगी तो खांसी आनी स्वाभाविक है, क्योंकि आदि शक्ति का कार्य है, ये कोई और नहीं कर सकता। पहले वो अब ये स्वयं साक्षात जब रूप में कर वो रही है। क्रॉस कर जाती है एनर्जी, हाँ? भैया जब जब विशुद्धि से क्रॉस
एनर्जी क्रॉस करके फिर वो ठीक हो जाते फिर हैं ठीक हो क्या? जाती है। हाँ, जहाँ जहाँ कुंडली फंस जाती है ना, वहां पे खांसी आती है। थोड़ी देर में क्लियर हो गई, कुंडली बाहर आ गई, ऊपर आ गई, तो फिर वो खांसी का देखिए, अब फिर दस का आया। अब मुझे खांसी है पहली नहीं, बार सुना है। खांसी है नहीं मुझे। आपके जरिए कहीं पे अटेंशन गया, जिन पे अटेंशन गया वहां से ये स्थिति आई तुरंत। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आप कितनी छोटी छोटी चीज को कितना नोटिस करते हैं हम लोग को अभी तक कभी ऐसा एक्चुअली किया नहीं था। ये नोटिस करना बहुत जरूरी है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कुछ भी कि हो क्या रहा है। हर रिफ्लेक्सिस को नोटिस कीजिए, एवरी रिफ्लेक्सिस मस्ट बी नोटिस्ड बाय आवर अवेयरनेस, तब आपको समझ में आएगा ये ऐसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, और फिर आप अन्य लोगों को ही बता पाएंगे। ये जब रिपीट होता है ना फिर ध्यान जाता है कि नहीं इसमें कुछ खास बात है कि डेली इसी टाइम पे होता है तो इसमें कुछ रहस्य है हाँ, तभी आपसे और पूछा। इसमें एक बात और है कि जब भी कुछ हो जाए तो आप भले ही आपका ध्यान ना हो, तुरंत ध्यान ले जाइए कि मेरा अटेंशन था कहाँ, कि जिसकी वजह से मुझे ये हुआ, तो आपको ज्ञान होगा। एक्चुअली इसे ही हम ज्ञान कहते हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान होता है। यानी कि पहले हमने अनुभव किया, फिर उस अनुभव को अपनी चेतना के संज्ञान में डाला, और चेतना के संज्ञान में डालने के बाद उसकी प्रचीति हमारे हृदय ने कर दी, रिकमेंडेशन हृदय से आती है, तो वो आपका ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी हो रहा है उसके प्रति हम बहुत जागरूक रहें, क्योंकि जो होता है हमारे अटेंशन के कारण होता है, बिना अटेंशन के कभी कुछ नहीं होता। तो अटेंशन को पकड़ना चाहिए कि अटेंशन है कहाँ। दो चीजें हैं, अवेयरनेस और अटेंशन, कि अवेयरनेस कहाँ है, अटेंशन कहाँ है, ये जरूर गौर करना चाहिए। इसी से आपको पता लगेगा, बहुत सारी सूक्ष्म चीजें पता लगेंगी, और एनर्जी के जो कोड्स हैं डिकोडिंग कर पाओगे आप, उन एनर्जी की डिकोडिंग करनी पड़ती है अगर कुछ समझना है। तो मैंने तो इसका अभ्यास किया था, शुरू में ही अभ्यास करने की आदत डाल ली थी, ये मुझे हो क्यों रहा है भाई, मेरा टेंशन कहाँ था, पहले से ही शुरू में ही। जरा बैटरी बंद हो गई, 1 मिनट। बताइए। बहन बताइए, अब क्या कह रहे थे, चालू हो गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हेलो। हाँ जी आ रही है जी आवाज आ आ रही रही है। है, अब बताइए। बस भैया मैं वही कह रही थी कि जब कोई चीज बार बार होती है तब नेचुरली उसकी ओर ध्यान जाता है कि ये बार बार हो रही है एक ही टाइम पे हो रही है तो इसमें कोई रहस्य है फिर हाँ, तभी इसी आपसे चीज क्लियर किया से जाए। हमको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, मतलब तभी हम जान पाएंगे, तभी हम बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। अब देखिए ना, बहुत सारी चीजें समझ में आई मुझे, तभी तो मैं बता पाता हूं। अगर इनको पकड़ा ही ना होता तो ये सारी बातें कैसे समझ में आती। ये कोई चमत्कारिक रूप से नहीं होता है, अभ्यास से होता है। कोई भी इंसान अगर अपने बिल्कुल अटेंशन को पकड़ने का अभ्यास करेगा तो उसको बहुत सारी चीजें अपने आप पता लग जाएंगी। जब हम लॉस्ट हो जाते हैं तो हम ध्यान में होते हुए भी बेकार हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये तो ऐसे ही हो गया कि हम बस जर्नी की, हमने एक जर्नी की और हम सो गए, तो पता लगा इतने अच्छे अच्छे दृश्य निकल गए, हमें पता ही नहीं चला। जर्नी तो हमारी चाली है, जारी है, पर हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि हम किस किस शहर से गुजरे, उसका वातावरण कैसा था, कैसी नदियां थी, कुछ नहीं पता हमें। तो वो एक तरीके से स्लीप है। अगर हम अलर्ट नहीं है तो हम ध्यान में नहीं है, हम सो गए हैं एक तरीके से। भले ही हम सोए ना हो, पर चूंकि हम अलर्ट नहीं है तो वो सोने बराबर है, उसे हमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो ये वाली बात समझनी जरूरी है। इसीलिए आज लाखों के हिसाब से सहजी, बस वाइब्रेशन पे ध्यान होता है कि वाइब्रेशन आ रही है, बाकी कुछ नहीं समझ में आता।
और 2 घंटे 1 घंटे ध्यान करने के बाद कहेंगे कोई बता दे हमारी कुंडली कहाँ है। अरे भाई कहाँ हो, कुंडली का ही नहीं पता है कहाँ। फिर कोई कहेगा जी आप हमारे वाइब्रेशन चेक कर देना। मैं कहा हे भगवान 10 साल 20 साल क्या किया, वाइब्रेशन ही नहीं समझ में आ रहे अपने, क्योंकि अलर्ट नहीं है, दे आर नॉट अलर्ट। अलर्ट ना होने के कारण जो हो रहा है ध्यान में उन्होंने उसको अपने संज्ञान में नहीं लिया, एक्नॉलेज नहीं किया और लॉस्ट हो गए, तो बेकार हो गया सब कुछ। तो बेहोशी में डूबना नहीं है, ध्यान में जो ऊर्जा आ रही है उसके आनंद में 100% नहीं डूबना, आनंद भी लेते रहो और हो क्या रहा है अपने सिस्टम में ये भी गौर करते रहो, तब जाके समझ में आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी स्टेट होती है समझने के लिए कि आप पूरी शून्यता में रहो, शून्यता में रहोगे अलर्ट रहोगे और साक्षी रहोगे। तो ये एक अभ्यास है कि हमें अलर्ट रहना है अपने संवेगों के प्रति, अपने ऊर्जा के इंडिकेशन के प्रति, अपने हृदय में आने वाली प्रेरणाओं के प्रति। वी शुड बी वेरी अलर्ट, तब जाकर हमें मजा आएगा। अब देखिए ना ये ध्यान चलता है, भीतर से अंदर से प्रेरणा आ रही होती है और वो शब्द जुबान से निकल रहे होते हैं। अगर मैं ध्यान में लॉस्ट हो जाऊं और जो प्रेरणा आ रही है उनकी तरफ ध्यान ना दूं तो ध्यान होगा कैसे? फिर तो क्या करना पड़ेगा, एक सेटअप बनाऊंगा ध्यान का और 20 साल तक बस उसी सेटअप से ध्यान कराऊंगा। आप अपने हाथ ऐसे रख लो, हृदय पे हाथ रख लो, बैलेंसिंग कर लो, नाड़ियां संतुलित कर लो, बस यही कराऊंगा, फिर मैं और नहीं करा सकता कुछ भी, मेरा यंत्र बेकार हो जाएगा फिर वो, क्योंकि वो सारा का सारा जो प्रोसेस है मेरे माइंड में सेव हो गया है और उस माइंड से निकाल निकाल के ध्यान चला है, मेरा यंत्र करा रहा है, वो बिल्कुल यूजलेस है, एकदम बेकार है। जो गाइडेड मेडिटेशन है उसकी ब्यूटी ही ये है कि प्रेरणाओं पर आधारित होना चाहिए, जो भीतर से उठ रही है प्रेरणाएं, तभी तो गाइडेड मेडिटेशन होगा। वरना तो आपने एक प्रोग्रामिंग कर दी है, जैसे वॉशिंग मशीन में प्रोग्रामिंग होती है ना कि 1 घंटे का प्रोग्राम है, किसी का 2.5 घंटे का प्रोग्राम है ऑटोमेटिक मशीन में, कि कोई वूल वाले कपड़ों पे करनी है कि वो प्योर कॉटन पे करनी है कि दाग वाले कपड़ों पे करनी है, तो प्रोग्रामिंग हो गई, उससे कोई फायदा नहीं है। ध्यान की कोई भी चीज माइंड से अगर जुड़ गई तो 0 हो गया ध्यान, मेडिटेशन है ही नहीं वो, वो तो रिपीटेशन है, मेडिटेशन नहीं है, वो कंडीशनिंग है, दैट इज नॉट ए मेडिटेशन, उसे हम मेडिटेशन नहीं कह सकते। मेडिटेशन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, मेडिटेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ योर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन, तब मेडिटेशन कहलाएगा, वरना तो वो बस आज्ञा चक्र से हो रहा है। अब जब ध्यान आज्ञा चक्र से करा रहे हो तो शस्त्रार का मजा कहाँ आएगा आपको, आ ही नहीं सकता। सडनली जो हृदय से प्रेरणाएं आती हैं शब्द वही निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तभी तो ध्यान में मजा आता है। और फिर एक खास बात और होती है, हर बार ध्यान नया होता है, हर बार नया होता है। आप सारे वीडियो उठा के देख लेना, आप उन्हें कंपेयर करके देखना, चाहे वो आत्म साक्षात्कार के पब्लिक प्रोग्राम हो, चाहे वो डीप मेडिटेशन के प्रोग्राम हो, चाहे वो इंडिविजुअल मेडिटेशन हो, सारे ध्यान सब अलग होंगे यार, एक भी किसी से मैच नहीं करेगा जितने वीडियो पढ़े हैं आप, क्योंकि वो प्रेरणा के ऊपर आधारित है। और रटा रटाया तो आप देख ही रहे हैं, आजकल खूब सारे ऑनलाइन ध्यान चल रहे हैं, वो सब एक ही पैटर्न पे हैं, रोज वही 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 रोज होगा बस। उससे हमारा माइंड तो सेटिस्फाई हो सकता है पर मिलेगा कुछ नहीं। जब एक साधक साधिका ने अपने माइंड के सेटअप में अपने आप को बांध लिया तो ध्यान घटित नहीं हो सकता। जो बंध गया वो कंडीशनिंग हो गई, जो कंडीशनिंग हो गई मेडिटेशन रहा नहीं, वो तो एक प्रोसेस बन के रह गया है खाली। बस ये गौर करने वाली बात है। और ये होगा कब,
जब आप इंडिविजुअल ध्यान में बैठे हैं तो आप अपने आप को खाली छोड़ दीजिए, रिक्त कर दीजिए, अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिए और माइंड को उठा के अलमारी में बंद कर दीजिए। माइंड को जस्ट कीप योर माइंड इनटू द कवर्ड और छोड़ के देखिए कि अब मैं सामने बैठे हैं, हम बैठे हैं माँ के सामने या निराकार में बैठे हैं, हम बाहर आसमान आकाश के नीचे बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, और देखिए कि हमारे अंदर से आज क्या आ रहा है, कि किस चीज पे ध्यान करें। दिस इज मेडिटेशन। जो डिवाइन चाहेंगे आपके हृदय में प्रेरणा देंगे वैसा मेडिटेशन हो जाएगा। और किसी ने अगर उसका पूरा प्लान बना लिया तो वो बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। सामूहिकता देखिए, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें पूरा प्लान्ड मेडिटेशन होता है, इसलिए वो मेडिटेशन नहीं है। इसलिए 30-30 40-40 साल से लोग बस बैलेंसिंग ही करते रह गए, आगे बढ़ नहीं पाए। बस इतना ही पता लगता है इतने साल पुराने लोगों को, वाइब्रेशन आ रही है या नहीं आ रही, उंगली में आ रही है, उंगली पकड़ रही है क्या, हथेली पकड़ रही है, बस इसके अलावा कुछ आगे जाना ही नहीं है। तो इसलिए ये मेडिटेशन है ही नहीं, ये तो कंडीशनिंग है। तभी तो श्रीमाता जी ने कहा, जस्ट एक्सपोज योर सेल्फ बिफोर मी एंड बी बिकम ब्लैंक, विचार शून्य हो जाओ बस। इसका मतलब यह है कि भीतर की जो प्रेरणा आए उसके ऊपर आप ध्यान करें, अपने आप अंदर से आएगा। श्री माता जी कम्युनिकेट करती हैं हार्ट के माध्यम से, और वो बताती हैं अब इस एंगल पे ध्यान करो, अब इस एंगल पे ध्यान करो, अब इस एंगल पे ध्यान करो। हमारी चेतना के माध्यम से डायरेक्ट नहीं है कम्युनिकेशन, थ्रू अवर अवेयरनेस, और अवेयरनेस से ही पहले हमारी स्पिरिट है। श्री माता जी हमारी स्पिरिट को कम्युनिकेट करती हैं, हमारी स्पिरिट हमारी अवेयरनेस को कम्युनिकेट करती है, हमारी अवेयरनेस हमारे आज्ञा में पहुंचाती है प्रेरणा, और आज्ञा से प्रेरणा हमारे कंठ में आती है, शब्द बन के निकलती है। पांच प्रोसेस हैं ये, पांच जगह से निकल के शब्द निकलते हैं, और इनका संबंध लेफ्ट आज्ञा से नहीं होता, इसका संबंध सेंट्रल आज्ञा से होता है, यानी कि निर्विचारिता से। सेंट्रल आज्ञा का मतलब है थॉटलेसनेस, लेफ्ट और राइट आज्ञा का मतलब है थॉटफुलनेस, कि दोनों जगह से थॉट आते हैं, लेकिन सेंटर आज्ञा थॉट नहीं देती, ये केवल भीतर की इंस्पिरेशन को ग्रहण करती है, और फिर आज्ञा से कम्युनिकेशन जाता है विशुद्धि में, और विशुद्धि से फिर वोकल कॉर्ड में, वोकल कॉर्ड से आप शब्द बन बन के निकलते हैं। पांच जगहों से निकलकर ये सब आता है, 5 प्लेसेस। इसीलिए श्री माता जी ने इसको बोला बैखरी, दिस इज बैखरी। शुरू शुरू में श्री माता जी का लेक्चर सुना बैखरी, ये सन 2001 की बात होगी शायद, तो मैंने कहा यार बैखरी है क्या, कैसे होती है, तो फिर इसका रहस्य तभी समझ में आ गया था कि ऐसे होती है बैखरी। और श्री माता जी ने एक लेक्चर में बोला था, गॉड कम्युनिकेट्स इन सुषुप्ति अवस्था। अब मैंने सुन तो लिया 2000 में ये शब्द, पर वो समझ में आए ना, सुषुप्ति अवस्था में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसी पे पूरा लग गए, इस पे अंदर अंदर इस पे लग गए, सुषुप्ति अवस्था सुस्वप्ति अवस्था कैसे होती है, कैसे होती है, पूरा जब पूरा का पूरा इस पे पूरा फोकस हो गया, सब कुछ भूल गया मैं, केवल यही याद रहा सुषुप्ति अवस्था। तो फिर भीतर से उन्होंने सुषुप्ति अवस्था को समझाया, और यही सुषुप्ति अवस्था का कम्युनिकेशन है जो बैकरी बन के बाहर निकलता है, और ये प्रोसेस यही है, इतनी पांच जगहों से होकर निकलता है ये कम्युनिकेशन सुषुप्ति अवस्था का। कि जब आप पूर्ण शून्य होते हो तो श्रीमा कम्युनिकेट करती हैं स्पिरिट, स्पिरिट को स्पिरिट कम्युनिकेट करती है हमारी अवेयरनेस को। इसमें हार्ट भी हमारा शामिल है, मतलब हार्ट के जरिए तो एक्सप्रेस होता है, बीच में मैंने बोला नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये फिर जाता है आज्ञा में, वहां से शब्दों को,
शब्दों को सेलेक्ट करती है ये, क्योंकि शब्द जो पढ़े हैं हमारे आज्ञा में पढ़े हुए, वर्ड्स वोकेबुलरी हमारी लेफ्ट आज्ञा में है, ये एनर्जी सेंट्रल आज्ञा में जाकर लेफ्ट आज्ञा से वर्ड्स को चूज करती है, फिर वोकल कोड में जाती है एनर्जी, आपकी आवाज निकलती है साउंड जिसे हम वॉइस कहते हैं, और वॉइस के जरिए वर्ड्स बाहर निकलते हैं। तो ये सुषुप्ति अवस्था का कम्युनिकेशन है जो गाइडेड मेडिटेशन में निकलता है। एक कम्युनिकेशन होता है कि आप खुद इंडिविजुअल में शांत होकर कम्युनिकेशन ले रहे हो, लेकिन जब आप गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम हो तो ये सुषुप्ति का कम्युनिकेशन आप सबके लिए निकलता है, 5-6 जगहों से होकर आता है, ये है कम्युनिकेशन। फिर ये सुषुप्ति अवस्था और बैखरी कॉम्पेटिबल है एक दूसरे के, यानी कि बैखरी सुषुप्ति अवस्था का परिणाम है अगर मैं इस तरीके से कहूं तो, बड़ा ब्यूटीफुल घटनाक्रम है ये। बैखरी इज द आउटकम ऑफ सुषुप्ति अवस्था। तो आज दो रहस्य समझ में आए, बैखरी और सुषुप्ति के, आज उन्होंने रिवील कराए। हालांकि मैंने लिखा भी है इस पे पहले, बहुत पहले लिखा था, कई साल पहले लिखा था इस पे, लेकिन आज वर्बली जो है हो गया है बातचीत में। अब ये भी उनकी मर्जी है, ये भी मेरे हाथ में नहीं है, तो ऐसे खेल चलता रहता है बहन। लीजिए 3 घंटे होने वाले हैं, 3 आवर्स हो जाएंगे, 12:23 हो गए, आज तो सेशन काफी लंबा हो गया। हमारे बहुत से साधक साधिकाओं के घर के लोग कहते होंगे शनिवार में करते क्या हो तुम 3-3 घंटे तक, 2-2 घंटे तक। नींद नहीं आती। क्योंकि जो लोग जुड़े रही हैं श्री माता जी से, वो तो सोचते होंगे मैं 10 मिनट की चीज के लिए 3 घंटे क्यों बर्बाद कर दिए, 2.5 घंटे। फिर वो कहेंगे ध्यान ऐसे थोड़ी होता है, भगवान का ध्यान करो बस, शांति से ध्यान हो जाता है। जो जुड़े नहीं है, बड़े मजे आता है सुनने में। बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है बातें घर के लोगों को। बहुत से सहजी के घर के लोग कहेंगे जो जुड़े नहीं है, है क्या करते हो बेकार, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी होती है, भगवान के सामने बैठो बस ध्यान करो, क्या जरूरत है कहीं जाने की। ये भी बड़ा मजेदार लगता है मुझे, पहले बहुत सुनता था मैं, कह रहे तुम लोग तो अपना टाइम खराब करते हो, ध्यान व्यान कुछ नहीं करते हो, हम तो सुबह उठते हैं जी 4 बजे, 4 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाते हैं और 1 घंटे तक ध्यान करते हैं, हमें जरूरत नहीं कहीं बाहर जाने की, ऐसे बोलते हैं वो लोग। अब उनको क्या बोले हम, जो जुड़ा ही नहीं है उसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना कनेक्ट जो जब जिसकी जिसकी कुंडली जागृत नहीं है उसे बस समझ में आनी नहीं है। श्री माता जी ने हमें भगाने के लिए बनाया है, अपना बच्चा बैठ नहीं सकता, वहां का बच्चा है इसे एक जगह नहीं बैठ सकता, उसे भगाया है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें प्राचीन काल में, तो उसके लिए अक्सर मैं कहता हूं कि जो जागा सो भागा। बैठ नहीं सकता वो, जो जागृत हो गया वो टिक नहीं सकता एक स्थान पर, उसे तो जाना ही है कहीं ना कहीं फैलाने के लिए उस प्रकाश को जो उसे मिला है। और जो एक स्थान पर टिके हुए हैं अभी, उनको प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ है, प्रकाश प्राप्त होने का प्रोसेस तो चल रहा है पर प्राप्त नहीं हुआ है अभी, इसलिए एक जगह टिके हुए हैं। लेकिन जिसको मिल गया वो एक जगह रह ही नहीं सकता। प्राचीन काल से आज तक का उदाहरण देख लीजिए आप, तो जाना ही है, विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ेगा उसको, दूसरे शहर नहीं जा सकता, लेकिन अपने ही शहर में 36 जगह जाएगा, लोगों को बताएगा, जोड़ेगा, ये सब काम करेगा वो। तो बहन समाप्त करें, अब 3 घंटे पूरे होने वाले हैं। इस ध्यान के माध्यम से जो अंदर सफाई होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। हम पहले क्या थे, क्या से क्या अंदर चेंजेस आएंगे, बहुत
ऐसी चीजें मिल आती है अच्छा कि बहन, चलिए एक बात आदमी बताइए, को आज एक काम कीजिए, कितना आपने एक आज बहुत सुंदर बात बोली, आज आपसे मैं यही कहूंगा कि आप सबको अपने चेंजेस बताइए, आज 2-4 मिनट में बता देंगे आप आराम से, अगली बार किसी और के पूछूंगा चेंजेस, अब टाइम नहीं बचा बाकियों के लिए, लेकिन अगली बार में जो बताना चाहेगा उससे पूछेंगे कि क्या क्या भीतर में चेंज आए हैं, आप बताइए। चलिए ये मेरे भीतर तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई। किसी जैसे समझे हम, अगर ध्यान के माध्यम से भी यह सोल्यूशन कभी मिलता नहीं था, तो इससे ये सोल्यूशन मिला कि हम एक तो विचार जो है ठहरने शुरू हुए, शांत होने शुरू हुए। फिर मेरे अंदर अटैचमेंट बहुत मुझे तंग करती थी, डिटैचमेंट आई, उसके लिए काफी मुझे आपसे गाइडेंस मिली। बार बार ऐसे होता था, अटैचमेंट्स की वजह से हम दुखी होते थे, बहुत हम लोग रोते धोते होते थे। मुझे वो टाइम याद है कि सहज में आने के बावजूद हम लोगों की ऐसी हालत थी, अच्छा पर आपसे लगातार काउंसलिंग करते करते वो डिटैचमेंट पक्की हुई। फिर उसके बाद मेरे अंदर क्या कहते हैं, हमारे हम सब के अंदर कई तरह की और तरह के लालच भी होते थे, कई तरह के समझ लो, वो भी गए। और सबसे जो ब्यूटीफुल चीज थी, ये फियर मेरे अंदर बड़ी तरह के थे, एक तरह के नहीं कई तरह के थे, जो खत्म हुए। मुझे लगता था ये तो कभी मेरे अंदर से जा ही नहीं सकती ये चीज, मगर वो चीज भी गई। जी, और बाकी भैया एक ये चीज है कि सबसे बड़ी चीज जो है ना, कंडीशनिंग जो अंदर से गई, बहुत जबरदस्त हमारे अंदर कंडीशनिंग भी होती थी, जैसे क्रियाएं करने की भी। अच्छा तो मैंने ये देखा कि जब हम निर्विकल्प स्थिति में आते हैं, मतलब विकल्प थे वो, मुझे ये समझ आई कि वो सब मैं विकल्प यूज करती थी कि हाँ मुझे फूड सोकिंग जरूरी करनी है। तो श्री माता जी ने बिल्कुल मुझे इन चीजों में से निकाला। अब फुर्सों की किए महीनों बीत जाते हैं, बट फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं ना, तो वो मेरे दिमाग में था कि मुझे शुरू करनी है। ऐसे और भी बहुत सारी कंडीशनिंग मेरे अंदर से तोड़ी। और सबसे अच्छी चीज है कि मेरा हर वक्त जो माइंड जो है बहुत सारी चीजों में जैसे चलता ही रहता था, अब ये करना है वो करना, अब बिल्कुल शांत भाव से, शांति से जो हो रहा है वो ठीक है, जितना हो जाएगा ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी इससे भी अच्छा है। और इसके अतिरिक्त तो जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहे हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई कि ठीक है, अपने आप ये चीजें जो हो रही है हमारे बैठने के लिए हो रही है, अगर कोई दुख तकलीफ है तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, ऐसी चीजों को मैंने समझा। जी अभी तो इतना ही, हाँ, बस ठीक है, बहुत और बढ़िया बहुत बहन, सारी चीजें बहुत अच्छा लगा क्या आपके मैं हम सबको बताऊं, अनुभव सुनकर। मेरे अंदर तो बहुत फियर और अटैचमेंट्स मुझे बहुत तंग करती हुई है, मुझे नहीं लगता था मैं कभी इससे निकल पाऊंगी। ये आपके साथ काउंसलिंग कर करके ये चीजें बिल्कुल रोके फ्री हो गई बहन देखिए, उनसे। इसमें मेरा तो कोई योगदान है नहीं, केवल श्री माता जी का कार्य है, क्योंकि आपसे हम तो कुछ है नहीं ना, हम तो एक माध्यम है, मात्र एक माध्यम है खाली, कि श्री माता जी ने कोई चीज देनी है, उनकी मर्जी है वो किसके माध्यम से देंगी, तो इसमें माध्यम का कोई खास महत्व नहीं है, उनका महत्व है कि वो देना चाहती थी वो उन्होंने दी। अब मान लीजिए आप हो, आप 10,000 रुपये अपने शॉप के वर्कर के हाथ किसी को भेज दें, तो जिसको पैसे मिले हैं वो ये थोड़ी कहेगा कि वर्कर ने पैसे दिए, वो तो कहेगा जी सेठ जी ने पैसे भेजे मेरे को, वो ये नहीं कहेगा कि वर्कर ने दिए हैं, वो तो माध्यम है पहुंचाने का खाली, इसको ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि पैसे आपके हैं और आप ही ने दिए हैं, माध्यम किसी लड़के को बना के दे दिया आपने, तो इसी प्रकार से हम लोग भी एक माध्यम है, देने वाली वो है, जो दे रही हैं वो भी उन्होंने दिया है, किस तक पहुंचाना है ये उनका उनका इंस्ट्रक्शन है, तो अपने हाथ, अपने को तो पता भी नहीं होता देने किसे हैं,
मान लो जैसे कि एक वर्कर है, आपके यहाँ काम करता है, वो सुबह अपने काम पे आया है, उसे थोड़ी मालूम है कि उसे कहीं जाना पड़ेगा। अचानक आपने 12 बजे उसे बुलाया, भाई ये जो पैसे हैं ना वहाँ दे आना, तो उसे तो पता भी नहीं था कि उसे देने जाना होगा, तो उसका तो कोई रोल रहा नहीं, वो तो एक नौकरी कर रहा है। तो मैं भी नौकरी हूँ, एक नौकरी पे हूँ मैं भी, कि जो माँ चाहती हैं, जो पुछवाना चाहती हैं, वो पहुँच जाता है, बस मेरा इसमें कोई रोल है नहीं। ज्ञान उनका, इच्छा उनकी, साधन उनका, तो अपना है क्या इसमें बताइए। अभी ये जूम के सेशन चल रहा है, ये तो माध्यम है, तो लेकिन दे तो वो रही है। अब इससे साबित हो जाता है इतनी विभिन्नता हुई है अभी तक, इतनी विभिन्न तरीके से ध्यान हुआ है, तो क्या ये मनुष्य के बस की है कि इतनी विभिन्नता से कोई ध्यान हो जाए? कोई मनुष्य करा सकता है इतनी विभिन्नता से? उसके पास सामर्थ्य है कि किसी मानव के पास नहीं है। ये सारी जो विभिन्नताएं प्रकट हो रही हैं, ये उनकी इच्छा के परिणाम है, उनकी प्रेरणाओं का परिणाम है, ये हकीकत है, ये समझना होगा हम सबको। इसलिए माध्यम कुछ भी नहीं होता है। वो तो एक तरीके से क्या कहना चाहिए, एम्प्लॉय है, वो तो जॉब पे है। तो धन मालिक का, इच्छा मालिक की, इसीलिए तो आप सभी से अलग हैं भैया, हैं? माँ के बिल्कुल अलग से बच्चे हैं, इसीलिए तो पूरी तरह से अब कई अकड़न बार में लोग उतरे बहुत से हुए मेरे हैं। को क्रेडिट देते हैं, मैंने कहा भाई मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, मैं तो नौकर हूं। नौकर की क्या औकात होती है भला? बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है अपना काम। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। करो करो करो। जब से इविल हंटर्स में मेडिटेशन शुरू किया हाँ तो उसमें उस टाइम क्या होता था, ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे। जब वो वाला शुरू हुआ मेडिटेशन, तो उस टाइम पे फील होता था कि पूरा टाइम ना अटेंशन अंतरिक्ष में ही रह रहा है काम करते वक्त। तो मतलब ये वाले एक अंतरिक्ष से एक अलग कनेक्टिविटी हो गई। उसके बाद जब उसमें हमने अलग अलग देवी देवताओं के आशीर्वाद को अपने हृदय में बुलाया, ऐसे लगा था कि हाँ बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, चेंजेस हुए, और ऐसे लग रहा था हाँ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। कुछ चीजें जो श्रेड नहीं हो रही थी, गुस्सा आ रहा था या रिटेलिएशन थे, वो बहुत जल्दी क्लेंजिंग हुई। उसमें इमोशनल हीलिंग बहुत जल्दी हुई, आपको लाइफ के फैक्ट समझ में आए, अवेयरनेस ग्रो कर रही थी। उसके बाद जब वर्कशॉप शुरू हुए तो मेडिटेशन और समझ में आया कि ध्यान, एनर्जी, श्री माता जी और लाइफ, हमारा काम, हमारी जिम्मेदारियां, इस तरीके से समझ आया। जब जूम सेशंस हो रहे हैं तो इसमें जो मतलब जो वर्कशॉप्स में तो हम बहुत सारी चीजों से इवॉल्व हो चुके थे, अपने से अलग हो चुके थे, और हम मतलब काम तो कर रहे हैं संसार में रह के, पर हम अपने आप को एक गॉड का ही एम्प्लॉय समझते हैं कि अब हम उनके लिए रेडी हो गए हैं, अब हम अपने से हट गए। और अब जब जूम सेशंस हो रहे हैं तो इसमें जो इवॉल्वमेंट हो रहा है हमारी अवेयरनेस का, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इस टाइम तो अभी बहुत जल्दी है बोलने के लिए कि अभी हमारे में क्या चेंजेस आए, बट अभी जैसे लास्ट वीक में अपने स्कूल गई थी, मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया, नए लोगों से इंटरेक्ट किया, सो आई वाज फाइंडिंग माई सेल्फ मोर काइंडर, कंपैशनेट एंड फ्री लव फॉर एवरीवन, जो पहले इस लेवल पे नहीं फील होता था, ब्यूटीफुल, और वेरी ज्यादा गुड, वेरी हो गुड। रहा था। और जैसे जैसे मैं बाहर जब गई, अभी तो मैं 4-6 महीने से घर ही में हूँ, पर जब मैं बाहर गई तो मैं यूनिवर्स से और कनेक्टेड फील होके और अब मतलब वर्क कर पा रही थी। जैसे मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे ज्यादा फील हो रहा है कि लोग सफर कर रहे हैं या वर्क और अटेंशन से वर्क हो रहा है, अब वो भूलता नहीं है। पहले होता था हम जुड़ते थे, कटते थे, जुड़ते थे, अब ऐसा होता है कि कॉन्स्टेंट आप वर्क कर रहे हो, आपके आपको ये समझ में आ रहा है कि आप चैनल हो और वर्क हो रहा है। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस मैंने इधर भी फील किए। फिर जब मैं इंडिविजुअल मेडिटेशन में जब मैं बैठती हूँ अब, तो अब मैं एक और, पहले होता था कभी कभी वो लेवल ऑफ शून्य फील हुआ कि कोई थॉट नहीं है और हम एक डिफरेंट जोन को टच कर रहे थे, वो भी जब वर्कशॉप्स हुए उसके बाद कभी कभी ये फीलिंग्स आती थी।
अब ये होता है कि जब ध्यान में बैठते हैं और मतलब अब वो काफी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और टाइम भी बढ़ गया है कि अब अक्सर ऐसा होता है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो एकदम जीरो हो जाते हैं, कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई थॉट नहीं आ रहा, और तब हम उस चीज को फील भी कर रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं ये भी फील कर रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस मैंने फील किए। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। चलिए ये बातचीत की यात्रा फिर आगे चलेगी अगले हफ्ते। अगले हफ्ते किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी बातें बताइए, थोड़ा सा अनुभव बताइए पहले से अब तक के चेंज। इन सारी जो बातें आप लोग बताते हो, जो बहुत सारे ऐसे देखने वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव उनके क्या कहना चाहिए रिस्पॉन्स आते हैं, उनको अपनी बातों के उत्तर मिलते हैं। जबकि वो लोग शरीक तो नहीं हो सकते, शरीक है भी नहीं इसमें, लेकिन जब वो ये चीज़ उसे देखते हैं, वीडियो पे जाते हैं और उससे गुजरते हैं इस सेशन से, तो उनको लगता है कि उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं आप लोगों के ज़रिए। तो इसलिए अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करना सर्वोत्तम है, शेयर करना चाहिए, श्री माता जी ने भी कहा है। अब इसी के साथ अब समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है। ठीक है, जय श्री माता जी सभी को। आज प्रियंका नहीं थी क्या जसलीन? जय श्री माता। अच्छा अभी हो प्रियंका, अभी हो मौजूद? नहीं प्रियंका नहीं है। अच्छा नहीं, पहले तो थी प्रियंका, पहले थे। अच्छा पूनम दीदी आज मजा आ रहा है, आप पूरे इतने घंटे से आज मौजूद हो, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो आप। आप बहुत दिनों बाद नजर आए हो यहाँ। बोलते तो हूँ पर बोलते नहीं, पर आज बस बोल दी। दीदी बोलने से लाभ होगा ना, बोलने से सबको लाभ हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे, पता नहीं कितने हजार लोगों तक शेयर होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है बातें। तो इसलिए अच्छा है अगर शेयर करें अपनी बातें। ओके सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।